हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज योर होस्ट सौरभ सिंह, यू वाचिंग सौरभ सिंह व्लॉग्स। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं यूएस में शोर लीव। आप सोच रहे हो हेलमेट लगा के क्यों जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस गेट तक हम हेलमेट लगा के जाएंगे। उसके बाद फिर हेलमेट वगैरह निकाल देंगे, फिर उसके बाद जितना मर्जी आप घूम सकते हो। आपका जब तक का वॉच है वो 6 घंटे का ब्रेक मिलता है हमें, फिर 6 आवर हमें फ्रीडम है, यूएस में कहीं भी घूम सकते हैं, बट 6 आवर के अंदर हमें वापस भी आना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या घूमने लायक है और आपको भी दिखाते हैं। एंड दिस इज़ आवर टीम, और बंदे पीछे आ रहे हैं, सो लेट्स चेक। सो गाइस, ये हमारी टीम और वो रही टैक्सी, वेट कर रही है टैक्सी हमारी। और ये बंदा आया था गाड़ी से छोड़ने के लिए, हमें ड्रॉप करने के लिए यहाँ तक सिक्योरिटी की वजह से। एंड दैट इज़ आवर शिप। सो फिलहाल के लिए हम लोग आज़ाद पंछी हैं, घूम सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का न्यू ऑर्लियंस शहर कैसा है। पब्लिक काफ़ी एक्साइटेड है, देख रहा शोलीव के नाम पे। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोर ऑफ बेस्ट बाय। बेस्ट बाय का मतलब यूएस में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस डिजिटल है, लाइक सेम यहाँ पर बेस्ट बाय है। तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, टीवी, टैबलेट, एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट हियर। देखिए सोनी के स्पीकर्स आपको चाहिए, अल्टीमेट ईयर्स, सोनी मार्शल, किड्स के लिए गेम्स वगैरह, देख रहे हैं एलईडी बल्ब्स, सीसीटीवी कैमरास, मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेगी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चाहिए, मोस्टली आपको सब यहाँ मिलेगी। सो गाइस, दिस इज़ द इंस्टा 360 काउंटर, और हमारे पास गोप्रो है ही, बट हम सोच रहे हैं इंस्टा 360 लेने को। सो व्हाट यू गाइस आर सजेस्टिंग, X4 और X3? बिकॉज X4 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, एंड X3 इससे पहले आया हुआ था। तो लेट्स चेक व्हाट वी हैव हियर, इसके बाद फिर लेते हैं। एंड ये इसकी इनविजिबल स्टिक, जो कि इंस्टा 360 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो चेक करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं बाकी। ये ड्रोन्स, DJI का काउंटर है। सो ड्रोन्स ये $1,200, एंड दिस वन इज ऑल्सो $1,150, नॉट सो मच डिफरेंस। ये कोई दूसरी कंपनी है यार, स्नैपटेन 250 150, मीन्स लोकल ड्रोन्स है। हाँ ये रहा X3, दिस इज द X3, इंस्टा 360 X3। ओके, वी विल चेक दिस वन। सो गाइस, ये देखिए आईफोन 6 15, बट अभी 16 आने वाला है, लेकिन आइए चेक करते हैं प्राइस क्या है। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB, वन टाइम पेमेंट इज $1,200, एंड 15 प्लस 929 930, 15 929 सेम $930। सो इंडिया से तो काफ़ी चीप है, कि भाई ओरिजिन यहाँ का, कंपनी यहाँ की, तो चीप तो होंगे ही। एंड यहाँ पर कुछ टैबलेट्स हैं, ईयरबड्स हैं, एयरपॉड्स 129, थर्ड जनरेशन 170, एंड एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन इज $250। सो काफ़ी इफेक्टिव प्राइस है। हम ढूंढ रहे हैं इसकी एक्सेसरीज़ इंस्टा 360 की, जो कि हमें मिली नहीं अभी तक। इंस्टा 360 तो मिल गया है, बट एक्सेसरीज़ नहीं मिल रही है यार। सो लेट्स फाइंड आउट कहाँ मिलती है। प्रिंटर सेक्शंस, कितने प्रिंटर चाहिए आपको, कार्ट्रिज प्रिंटर, और आपका ये पीसी, गेमिंग पीसी, मतलब हर एक चीज़ आपको चाहिए जो चाहिए। ये देखिए गेमिंग के लिए
बेस्ट पीसी। देखो दोस्तों, इस पे गेम खेलने में मज़ा ही आएगा, कतई ही मज़ा आएगा। तो बेस्ट भाई पूरा छान मारा लेकिन अभी तक मिला नहीं है एक्सेसरीज। आई थिंक एक्सेसरीज इनके पास है नहीं ज़्यादा, और आज संडे भी है तो आई डोंट थिंक इनके पास ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। ये सब टीवी देख रहे हो पैकिंग पैक्ड है। वापस हम आ गए इंस्टा 360 पे। उसकी इनविजिबल स्टिक्स मिल गई हैं, एसडी कार्ड मिल गया है, और उसको भी हम यहाँ से निकलवाएंगे। ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है इंस्टा 360 एंड गोप्रो, गोप्रो 12, गोप्रो 11, गोप्रो 10, वॉट एवर यू वॉन्ट, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। तो इट्स गोना बी फन, अभी राइड मारने में और ब्लॉग बनाने में मज़ा आने वाला है, कतई चहर होने वाला है। चलिए फिलहाल शॉपिंग करते हैं थोड़ी बहुत, और फिर मिलते हैं आपको दूसरे मॉल में। यहाँ से भी हम जाएंगे वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इज लाइक अ बिग बाजार, हमारे इंडिया में जैसे बिग बाजार वगैरह होता है वैसा वॉलमार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर भी आईफोन अपना गोप्रो का सेक्शन है। प्राइस अगर आपको प्राइस बता दूँ मैं तो गोप्रो 12 है $500 मीन्स अराउंड 42,000, एंड 10 इज $230, 11 इज $250। 10 और 11 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बेटर गो फॉर 11। सो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई, काफ़ी कुछ लोगों ने लिया, दोस्तों ने लिया। ये हमारा पोर्शन, हमारे सेकंड साहब, बस सबने शॉपिंग की, बस ये लोग घूमने आए थे। हम विंडो शॉपिंग किए हैं, विंडो शॉपिंग किए हैं, हमारे पास पहले से सब कुछ है। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट। ये देखो ये शॉपिंग गाइस, देख रहे हो आईपैड, एप्पल, एप्पल वॉचेस, और हमने लिया है भाई इंस्टा 360, जिसकी अनबॉक्सिंग हम शिप पे पहुंच के कैबिन में करेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना है। तो मिलते हैं आपको वॉलमार्ट में। अमेरिका का हावड़ा ब्रिज है। सुबह सन कैसी रही शॉपिंग? शॉपिंग बहुत अच्छी रही, इसलिए कुछ लिया नहीं, इसलिए कुछ लिया नहीं। सो गाइस दिस इज द वॉलमार्ट, और अभी हम चलते हैं अंदर शॉपिंग करते हैं। वॉलमार्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलमार्ट इज लाइक अ बिग बाजार, हमारे यहाँ का इंडिया का बिग बाजार हो गया, तो ऐसा शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ पर आपको हर एक एक्सेस, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगी, आपका जो घर के जो बेसिक नीड्स होते हैं उन सब सारे, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। दिस इज़ द एंट्रेंस, फ्रॉम हियर यू कैन टेक द कार्ट, उसके बाद फिर शॉपिंग स्टार्ट। घुसते ही साबुन किस मिला रही। ये देखो टॉयज, टॉयज, टॉयज सेक्शंस, टॉयज सेक्शंस। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा शोरूम है, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे यूएस में जितने वॉलमार्ट हैं सब ऐसे ही मिलेंगे आपको, काफ़ी लार्ज एरिया में इनका स्ट्रक्चर है। और कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही बना के रखा हुआ वेयर हाउस टाइप का, और उसी में सारा कुछ शॉपिंग वगैरह सब आप कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू शॉपिंग, मिलते हैं बाय गाइस। इतना बड़ा स्टोर है कि हमारे साथ जो बंदे आए थे सब गुम हो गए, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। और सिर्फ एक घंटे का टाइम हमारे पास यहाँ पर है, फटाफट शॉपिंग करके हमें भागना है, क्योंकि टैक्सी वाला बाहर ही वेट कर रहा है। तो अभी किसको कहाँ ढूंढने जाऊँ पता नहीं है। सो गाइस दिस इज़ द बिलिंग सेक्शन, एंड हमारी शॉपिंग हो गई, कार्ड इज़ फुल, काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई, और कुछ बंदे हमारे अभी भी वेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो आ जाएँ, उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले हैं। दिस इज़ द आवर टैक्सी माई फ्रेंड, एंड वी आर गोइंग टू द बवन स्ट्रीट। बवन स्ट्रीट इज़ द मेन शोकेस ऑफ न्यू ऑर्लियंस। आ जाओ चलो। I'm
गाइस दिस इज़ द बवन स्ट्रीट, काफ़ी फेमस है यहाँ पर मार्केट, लोकल मार्केट्स वगैरह के लिए काफ़ी चहल पहल रहती है इस मार्केट में। मार्केट तो कुछ खास सो नहीं हो रहा अभी फिलहाल, तो स्ट्रीट्स है। सो दिस इज़ अ वॉकिंग स्ट्रीट, यहाँ से वहाँ तक आप टहलते हुए जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉल्स या शॉप्स वगैरह आसपास में दिखेंगे आपको। यहीं पर आपको ट्रैम दिखेगा, एवरीथिंग इज हियर। और कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा, पुराना है बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। सामने से जाके आ जाओ, मैं अभी आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है। ये देखो भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है यहाँ पर। फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है। सो गाइस ये रही इनकी हस्टलर बॉलीवुड लोकल स्ट्रीट, देख रहे हैं यहाँ पर लोग मतलब जैसे कार्स को रेस दे रहे हैं। वो 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 इट लुक्स लाइक वी आर ऑन द सेट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। हाँ ये देखो ऑडी, मतलब यहाँ पर लोग शो ऑफ करने ही आते हैं अपनी कार्स, कार्स का जहाँ पर देखोगे आपको गाड़ियों के शोर आए, शोर ही सुनाई दे रहे हैं। सो फिलहाल हम और बोसन निकल आए हैं अकेले, बाकी पब्लिक वहीं पे फोटो शूट करा रही है। वी आर ऑन द मूव, लेट्स सी कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आधे घंटे में। देखो भाई, मतलब क्या रेस करने जा रहे हैं सारे के सारे। पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी है, देख रहे हो। या बेबी, अभी पीछे हो गया, कहीं इसको धर न ले। गाइस ये देखिए बैटमैन की कार, बैटमैन की कार निकल गई। तो गाइस अभी क्राउड स्टार्ट हो गया है यहाँ का बवन स्ट्रीट। ये देखिए मॉडिफाइड बाइक्स, मॉडिफाइड कार्स, हर एक चीज का शोकेस चल रहा है। पब्लिक काफी एंजॉय कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हर रात का ऐसा ही सीन है कि रात होते ही थोड़ा सा जैसे अंधेरा होगा, क्राउड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लब्स, बार, पब्स सब में यही सब चलता है, डिस्को वगैरह। तो अभी तो हमें वापस जाना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, हमारा टाइम हो रहा है जाने का। यू सी दिस कार, दिस बीस्ट, चेक दिस, देख रहे दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी लग्जरी कार्स वगैरह देखने को मिलेंगी आपको, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी, ये डेली का है, तो डेली आपको लग्जरी कार्स वगैरह देखने को मिलेंगी। जैसे ये देखिए, ए शावा, बूम बूम, कॉर्वेट और मोर इज कमिंग। तो ऐसी है यहाँ की रात। ये देखिए, ये मॉडिफाइड कार देखिए, गोल्ड प्लेटेड अलॉय व्हील्स बाइक, मतलब खतरनाक ही है, देख रहे हैं मॉडिफाइड कार्स। तो ऐसा है यहाँ का बबल स्ट्रीट की लाइफ, और अगर हमारे पास काफ़ी और टाइम होता तो फुल नाइट एंजॉय करते बिंदास, फुल नाइट यहाँ की मार्केट लाइफ को एंजॉय करते, घूमते फिरते एंजॉय करके फिर जाते वापस।
बट अभी हमारे पास टाइम सिर्फ 30 मिनट और, क्योंकि हमारा जो टैक्सी वाला है ड्राइवर वो आ गया पिकअप करने के लिए, हम लोग को वापस जाना है अभी। देखते हैं 30 मिनट में कितना दूर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो करेंगे, वरना वापस जाएंगे। वापस जाने का मन नहीं हो रहा ना किसी का। मौसम बड़ा अच्छा हो गया ना, ठंडा बारिश हुआ है ना, बैठ सकते। सो गाइस फाइनली हम लोग शिप पे पहुंच गए, हमारी शोर लीव हुई खत्म, यही समाप्ति। 3 महीने में एक बार शोर लीव मिली जाके, अब जा रहे हैं शिप पे।